आज मैं आपको दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े सरस आजीविका दिवाली मेले में लेकर आया हूं, जहां आपको धनतेरस और दिवाली शॉपिंग के लिए 28 राज्यों के कपड़े, क्रोकरी, जूते, डेकोर आइटम्स और भी बहुत कुछ मिलेगा, जो कि 800 औरतें मिलकर चलाती हैं। इसके साथ साथ आपको यहां खाने के लिए भारत के सभी राज्यों का खाना मिलेगा, इसलिए आज मैं आपको आपके राज्य का ऑथेंटिक स्वाद दिखाने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना, आपको वीडियो देखकर जबरदस्त मजा आएगा। भैया क्या लेके आओ राजस्थान से? काट पापड़ी है, राज कचौरी है, पाव भाजी है, टिक्की है, दाबेली है, मूंग दाल कचौरी, आलू प्याज कचौरी, मिर्ची वड़ा, दही बड़ा, घेवर, मावा कचौरी, चूरमे का लड्डू है, मालपुआ है, लस्सी है, जलेबी है, रबड़ी है, दाल बाटी चूरमा मिलेगा, मारवाड़ी रबड़ी कुल्फी मिलेगी। अरे भैया, मतलब राजस्थान की कोई आइटम नहीं छोड़ी आपने सर, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ। केरला के स्टॉल पे यहाँ पे देखते हैं क्या मिलने वाला है। वो केरला का आयुर्वेद पेड़ है, पेड़ के ये रूट वाला ये गर्म पानी में डाल करेगा, शुद्ध चीनी में डाल कर ज़्यादा पन कंडा बॉइल करेगा, बाद में कंडा है ना, कंडा मिल्क में मिक्स करेगा, फिर अंडा मिल्क मिक्स करके शेक बनाते हैं, शेक बनाते हैं मिक्स करेगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इनके पास और भी बहुत सारे शेक्स मिल जाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स के जूस मिल जाएंगे। राजस्थान से देखने वाले क्या क्या लेके आया, ये क्या चीज, ये प्याज की चोड़ी, बहुत बढ़िया, ये कड़ी और दाल, और ये क्या चीज, ये हमारा केर सांगरी का सब्जी राजस्थान में मिलेगी आपको और अदर कहीं नहीं मिलेगी। 1000 केजी होता है, 250 का प्लेट है सर हमारा। ये नमकीन में क्या क्या बनाते हैं? राजस्थानी भेलपुरी जैसी है, राजस्थान चटकारा स्पेशल जयपुर। फिलहाल आ चुके बिहार के स्टॉल पे, ये लिट्टी, ये है चोखा। अरे वाह, और ऑथेंटिक स्वाद आएगा बिल्कुल बिहार वाला। और क्या क्या चीजें बताइए? रबड़ी है, रबड़ी बिल्कुल आपकी तरह मीठी मीठी स्वादिष्ट लग रही है। अरुणाचल प्रदेश जैसे आप जानते हैं मोमोज के लिए तो बड़ा फेमस है, ताजे ताजे मोमोज अभी भी बन के आए हैं। ये चिली चिकन है, वी विल सर्व विद नूडल्स, ये पूरन पूरी है महाराष्ट्र की। ये तो पराठे ऐसे लग रहा है, दिल्ली वाले के पराठे होते हैं, लेकिन ये मीठी दाल रहती है, इसके अंदर गुड़ की और चने की दाल रहती है, उसका मिक्सचर बना के पूरन पूरी बनाते हैं। और ये हमारे आपके यहाँ गोलगप्पे बोल देते हैं इसको, ये पानी पूरी है। तो हमारा है वड़ा पाव, महाराष्ट्र का मुंबई का सबसे फेमस जो रहता है। और ये है मिसल का कंटेनर, ये मिसल की पूरी थाली बनती है। ओडिशा से, ओडिशा का स्पेशल छेना पोड़ा लेके आए हैं। क्या चीज है? छेना पोड़ा, छेना पोड़ा स्वीट आइटम। इसमें हम लोग नीचे पत्ता देते हैं, पत्ता के ऊपर इसको दूध को पहले फटा के उसको मतलब छेना बनाते हैं, उसके बाद बनता है। काकड़ा है, ये दही बड़ा, ये देखिए जी, ये ठुमका पूरी सब्जी है, नॉन वेज है, चिकन आइटम। ठुमका पूरी क्या चीज होती है? वो इतना बड़ा साइज का पूरी रहता है। आगे लेके चलते हैं उड़ीसा के स्टॉल से आपको गोवा के स्टॉल पे। चने की सब्जी है, ये चिकन शाकोती, चिकन शाकोती, ये कोकोनट से बनता है, ड्राई प्रॉन्स होती है, ड्राई प्रॉन्स, इसे प्रॉन्स दिख नहीं रहे मैम, प्रॉन्स वो एकदम बारीक होते हैं, ऐसे आते हैं बारीक। अच्छा, ये बिल्कुल ड्राई प्रॉन्स है, सूखे छोटे साइज के, बिल्कुल गोवा के अंदर क्रैप्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी इस स्टॉल पे भी आपको क्रैप्स खाने को मिलेंगे। ये पैम्फलेट है, इसमें टैमरिन और विनेगर डाल के उसको बनाते हैं हम, मिर्ची डाल के। तो सारे टाइप्स के फिशेज है यहाँ पे, जैसे कि पॉम्फ्रेट फिश हो गया, प्रॉन्स फिश हो गया, किंग फिश हो गया, फ्लेवर्ड बाय द ओशंस ऑफ गोवा, ईट लाइक ईट्स अ बिजली। तो आप चलते हैं आंध्र प्रदेश के स्टॉल पे। आंध्र प्रदेश में हम मटका बिरयानी लेके आए, मटका बिरयानी। अच्छा, ये मटका बिरयानी है, क्या चीज? गोंगोरा, गोंगुरा, चिकन करी सांबर के साथ सुरुंड बोलते हैं वो, उरद दाल लड्डू। ये देख लो भाई, ग्रिल फिश है, ग्रिल प्रॉन्स और ग्रिल चिकन, जो यहाँ पे दो दो भाई बैठे हुए हैं जो यहाँ पे ग्रिल करते रहते हैं। तो वेस्ट बंगाल से देखते हैं क्या क्या लेके आए मैम। ये वाला पाटी सेप्टा है, तो ये रोल जैसा लग रहा है, ये ऐसे खाते हैं, ऐसे खाते हैं ये चिकन, चिकन कसा, ऐसे चिकन बिरयानी है। और तेलंगाना में तो ऐसे बहुत बड़े बड़े पतीले रखे हुए हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है बिरयानी। तो ये देखिए जी, ये इनका चिकन बिरयानी, दम बिरयानी लाइक, ये इनका मटन बिरयानी, नीचे से मटन के बढ़िया बढ़िया से पीस, ऊपर से बिरयानी। अपना पंजाब का स्टॉल है, पापड़ी चाट है, राम लड्डू है, मिर्ची बड़ा है, छोले भटूरे है, मटर कुलचा है, मतलब पंजाब में आते पूरा जोश आ गया पंजाब वाला। अब यहाँ से आगे चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश के स्टॉल पे। आलू की टिक्की है, ये भुना हुआ मटर है हमारा, ये रहा सैनिक, ये रहे भुजिया भाजी, ये आलू लच्छा, ये पॉपकॉर्न, ये मलाई लड्डू, दही भुजिया, गुलाब जामुन, उड़द की दाल जी, मक्के की रोटी। बहुत बढ़िया सा, सस्ता सा, सिंपल सोबर का मेन्यू। यहाँ पे आगे चलते हैं उत्तराखंड, यहाँ पे रोलर कुल्फी बननी है, ये मंडुए के मोमो, रागी, ये रागी के मोमोस हैं, तो इसका फिलिंग भी रागी का, इसका ऊपर का भी रागी का,
नहीं, फीलिंग इसकी वेज स्पेशल हिमाचल का सिड्डू लेके आए। हिमाचल का सिड्डू जी। और आसाम में देख सकते हो आप बहुत सारी लेडीज हैं। ये ब्लैक राइस खीर है। तो ब्लैक राइस मतलब कलर से है या नेचुरल है? ये राइस ही काला, राइस ही काला है, हमारे आसाम का ये स्टॉल है। अच्छा, राइस ही काला होता है। झारखंड का दूसरा ले गया है, गुड़ पीछा ले गया है। ये क्या चीज है? ये क्या करें ना? पीछा है, गुड़ पीछा है सर। गुड़ पीठा जी सर। ब्रेड पकौड़ा है, ये दूसरा है झारखण्ड का स्पेशल डिश। खाया सर आपने? मैंने बहुत बार खाया। कैसा लगता है? फैंटास्टिक। ये छेना जलेबी है सर। लिमचा, लिमचा, लिमचा। ये कैसे बनाते हैं? ये भी स्वीट है, इसमें चावल, सूजी, मैदा तीनों मिला के बनाते हैं दूध। अगले स्टॉल पे चले हिमाचल प्रदेश में। ये हमारा साग है, ये अपना हिमाचली साग है। ये हमारा सिड्डू है, ये देखो जी हिमाचल का सिड्डू। और ये मालपुड़ा। ये मालपुड़ा। अगला स्टॉल है अपना तमिलनाडु का। वेजिटेबल गावा पोंडा, बहुत बढ़िया। मिर्ची बच्ची, मिर्ची बच्ची, मिर्ची बच्ची, बनाना बच्ची, दाल वड़ा, रसम। ये रसम, रसम सांबर वड़ा, चिकन रसम और वेज रसम, वेज रसम। अगर आप भी दिवाली और धनतेरस के लिए अपने घर पर कोई नई आइटम लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जरूर से जा सकते हैं, जो कि 11 नवंबर तक चल रहा है ये मेला। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 10-20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई जरूर से जाएं, जरूर से इसका लुत्फ उठाएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर से शेयर करें।